देश जनहित पार्टी के अरविंद मेश्राम ने कहा कि देश जनहित पार्टी 220 सीटों पर उम्मीदवारी उतारने जा रही है और पूरे महाराष्ट्र में हमारी पार्टी शिक्षा संस्था रोजगार व महिला सुरक्षा पर ध्यान देकर काम करेगी और अच्छे से अच्छी सुरक्षा और सुविधा देने का काम करेगी। तेलंगाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद नवाब ने कहा कि हमारा यहाँ आने का मकसद एक ही है, एक ही विषय के लिए, एक ही मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमेशा एक ही समाज को टारगेट, हमेशा एक ही समाज को फोकस किया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र की तमाम जनता को जागरूक करने यहाँ मैं आया हूँ। मेरे मुस्लिम भाई बहन को गुजारिश है कि अभी जाग जाओ और देश जनहित पार्टी को सपोर्ट करो। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, मिनिस्टर है या सीएम है, वह कौन है, फिर भी उसे अरेस्ट नहीं करते हैं। कुछ मीडिया वाले उन्हें बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। क्या इसके पहले पशुओं की हत्या नहीं की गई, फिर भी हमें क्यों टारगेट किया जाता है? अरविंद मेश्राम ने कहा कि देश जनहित पार्टी की गठबंधन की बात चल रही है, विदर्भ के लिए 62 सीटों के लिए गठबंधन की बात चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी देश जनहित पार्टी में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार चुन के आए तो हम महिलाओं को पूरी सुरक्षा देंगे। महाराष्ट्र में जितनी गुनहगारी है उन्हें हम खत्म करेंगे। देश जनहित पार्टी विदर्भ के विकास के लिए काम करेगी। और आप तमाम मीडिया का मैं खैर मुकदम करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि हमें आज यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया है। और अरविंद बालू मिश्रम साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज हम आए हैं नागपुर और यहाँ आने का हमारा मकसद और हमारी टीम जो है एक विषय, एक मुद्दे पे आए हैं। जैसा कि हम बार बार देखते आ रहे हैं कि एक ही समाज पे बार बार टारगेट और फोकस किया जाता है, और उस ताल्लुक से हमने चर्चा की, बात की और हमें ये पता चला है कि यहाँ पर इलेक्शन का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसलिए मैं तमाम जनता से यहाँ की, महाराष्ट्र की जितने भी हमारी पर्सन है, जितने भी हम मुस्लिम संविधान और हमारे जितने भी हमारे कास्ट के, तमाम से मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस बार आप जाग जाइए और होशियार हो जाइए और जितना हो सके उतना देश जनहित पार्टी को सपोर्ट करिए और उनके कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपके बीच में यहाँ पर अगर हक के लिए, आपके लड़ने के लिए कोई तैयार है तो वह है देश जनहित पार्टी। तो बहरहाल हमारे पास टाइम कम होने की वजह से मैं दूसरे टॉपिक पर बात करना, जिस तरीके से मैंने कहा था कि लॉरेंस जो बिश्नोई जिसको कहते हैं, जिसके ताल्लुक से ये कौन है, ये मिनिस्टर है या सीएम है या पीएम, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मीडिया वाले उसको इतना बड़ा चढ़ाकर इस तरीके से बताते हैं, यहाँ तक कि पुलिस कस्टडी मांगती है फिर भी उसको कस्टडी नहीं दिया जाता है। तो सिर्फ एक ही टारगेट लगा कि उनके ऊपर ये कहा जाता है कि पशु पक्षु जितने भी है, तो ये सारे केसेस क्या पहली बार हुए हैं, क्या इससे पहले नहीं हुए? हज़ारों की तादाद में 1,50,000 या 39,000 ऐसे जो है जिसके बारे में कहते हैं कि उनके जिसको मानते हैं उन लोगों की हत्या है। ये एक देश जनहित पार्टी गठबंधन अगर करती है, वैसे हमारे गठबंधन की बात चल रही है, अभी एक दो दिन में हम हमारी प्रेस रिलीज जारी करेंगे और विदर्भ के लिए 62 सीटों के लिए हमारे गठबंधन की बात चल रही है, उसके लिए हम आने वाले समय में एक दो दिन में हम प्रेस रिलीज करेंगे। देश जनहित पार्टी एक धर्म निरपेक्ष पार्टी के रूप में जनता के सामने आ रही है, ऐसे में महिलाओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार या महिलाओं के उम्मीदवार अगर भारी बहुमत से जीतकर आते हैं, अगर देश जनहित पार्टी कोई गठबंधन के साथ नहीं मिलकर यदि सरकार बनाती है, तो हम सबसे पहले महिला की सुरक्षा और हमारी माता बहनों को सुरक्षित करने का काम पहले करेंगे और जितना भी महाराष्ट्र में पूरे गुनहगारी को ख़त्म करने का काम हम करेंगे। देश जनहित पार्टी अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और विदर्भ के विकास को लेकर मुद्दे को लेकर काम कर रही है, और देश जनहित पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अपने धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ में काम करेगी, साथ में विदर्भ के विकास के लिए भी देश जनहित पार्टी काम करेगी। बेरोजगारी को हटाने के लिए हमारी देश जनहित पार्टी सबसे पहले, जैसा भी कोई गठबंधन में अगर सरकार बनती है और देश जनहित पार्टी सरकार में आती है, सबसे पहले बेरोजगारी को नष्ट करने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए सबसे अच्छे स्कूल अपने कॉलेजेस बनाएंगे और बेरोजगार ना हो उसके लिए इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के हमारे लोग जो है, महाराष्ट्र के युवा साथी काम करेंगे
और बाहर के जितने भी होंगे जो मजदूर बाहर से आके काम करवाते हैं, उन मजदूरों को शिकंजा कसने का काम हम करेंगे और महाराष्ट्र के युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने का देने का काम करेंगे। इन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार का जुमला है और ये जुमला पूरी बखूबी हमारी महाराष्ट्र की माता बहनें जानती है, उनको मालूम है 2024 के विधानसभा चुनाव के इलेक्शन है और ये इलेक्शन के दौरान ये चाहते हैं कि महिलाओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर जाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की माता बहनें ये जानती है 1500 रुपये अगर इनको मिले भी होंगे, बड़ी मुश्किल से 50 लाख 1 करोड़ लोगों को मिले होंगे, उसके ऊपर किसी को पैसे मिले नहीं। आज भी लोग चक्कर काट रहे हैं और 1500 रुपये के चक्कर में 15,000 का बोझा उनके परिवार पे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।